मेजरमेंट फाइंड आउट करना है और एंगल सोन ईच ऑफ फिगर फर्स्ट एस्टिमेट एंड विथ योर आईज एंड फाइंड देम एक्यूट मेजर विथ प्रोजेक्टर. हमें एस्टिमेट करना है. देखिए एस्टिमेट हम कर रहे हैं तो ये लगभग हमारा देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पे तो हमारा कम्प्लीटली 90 होता है और ये यहाँ से 60 होता है और 60 का ये हाफ लग रहा है. ये हमारा है कम्प्लीटली 30 डिग्री का एंगल और आप मेजर करेंगे तो भी 30 डिग्री का एंगल ही आपको मिलेगा. इसी तरीके से अगर बात करें तो ये हमारा 90 से बड़ा लग रहा है और यहाँ पे 90 होता है, ये 30 यानी कि 120 ये होगा हमारा कम्प्लीटली. और आप मेजर करके भी देखेंगे तो 120 ही होगा. ये हमारा कम्प्लीटली 60 डिग्री का एंगल है और ये हमारा 150 डिग्री का एंगल है. तो आप मेजर करके भी देख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में. देखिए यहाँ पे आवर एंड दिए हुए हैं और बिटवीन एंड्स दिए हुए हैं, दो एंड्स दिए हुए हैं इनके, आवर एंड्स और मिनट एंड्स. और इनकी मदद से हमें समझना है कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा. यहाँ पे डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि 90 डिग्री का एंगल है और इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा और ये जो हमारा कम्प्लीटली है वो 180 डिग्री का है. तो ये 180 डिग्री है. अगर इनके एंगल्स के नाम की बात करूँ तो इसको आप बोल सकते हैं ये हमारा एक्यूट राइट एंगल है. एक्यूट नहीं बल्कि राइट एंगल होगा क्योंकि राइट एंगल ही हमारा 90 डिग्री का होता है. ये हमारा राइट एंगल है और ये हमारा एक्यूट एंगल है. और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये हमारा कम्प्लीटली स्ट्रेट एंगल कहलाएगा. ये हमारा कम्प्लीटली स्ट्रेट एंगल कहलाएगा. देखिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जिसके अंदर हम इन सारी चीज़ों के बारे में हमने देखा, समझा, जाना. अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में. देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें हमें समझना होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन हैं. उसको देखते हैं, समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में डिस्कस करते हैं. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में. इसमें हमें इन्वेस्टिगेट करना है. देखिए आप अगर किसी एंगल को मेजर कर लेते हैं और बता देते हैं कि ये हमारा 30 डिग्री से, आप कितना भी सेंस इन्वेस्टिगेट करें, अगर आपने प्रॉपर तरीके से मेजर किया है तो किसी भी तरीके से करेंगे तो उसके एंगल में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा. चाहे आप बड़े से बड़ा प्रोटेक्टर लाइए या बड़े से बड़ा मैग्नीफाइंग ग्लासेस लाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. यहाँ पे दिया जा रहा है कि एंगल आपने मेजर किया है 30 से, देखिए और मैग्नीफाइंग ग्लासेस के थ्रू देखिए कि क्या एंगल हमारा बड़ा बन रहा है. डज द साइज ऑफ एंगल चेंज, क्या एंगल का साइज चेंज होगा? तो आप कह सकते हैं नो. The measure of angle will be same. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में और इसको देखते हैं, समझते हैं. हमें इसे मेजर करना है हर एक एंगल को और हमें बताना है कि कितने डिग्री का वो एंगल है और कितने और कौन सा टाइप है. सबसे पहले ए ओ बी के बारे में अगर बात करें तो ये हमारा जो एंगल है कम्प्लीटली 40 डिग्री का है. और अगर हम ए ओ सी के बारे में बात करें तो ये हमारा एंगल 130 डिग्री का है. और इसी तरीके से अगर हम बात करें जो हमारा एंगल है नेक्स्ट, जो हमारा एंगल दिया हुआ है वो हमारा है 90 डिग्री का. बी ओ सी आप देखेंगे बी ओ और सी, ये हमारा कम्प्लीटली 90 डिग्री का एंगल है. और डी ओ सी की बात करें तो ये भी हमारा 90 डिग्री का एंगल है. और आप देख पा रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है. यहाँ पे देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, यहाँ भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है. और अगर बात करें हम डी ओ ए की तो ये हमारा 140 डिग्री का है. जब आप मेजर करेंगे तो 140 डिग्री आपको मिलेगा. और डी ओ बी आपका जो है डी ओ बी, ये बिल्कुल ये सीधी लाइन है. आप देख पा रहे हैं डी ओ बी बिल्कुल 180 डिग्री का ये एंगल है. तो जो 180 डिग्री होता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल. तो आप यहाँ पे लिख लीजिए स्ट्रेट एंगल है आपका कम्प्लीटली. और जो हमारा 140 का है वो हमारा कहलाता है ऑब्स्ट्यूश एंगल. और जो हमारा 90 डिग्री का है वो हमारा कहलाएगा राइट एंगल. और ये भी हमारा राइट एंगल कहलाएगा. ये 90 से बड़ा है तो इसे हम कहेंगे ऑब्स्ट्यूश एंगल. और ये हमारा कहलाएगा एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल की स्पेलिंग ACUTE होती है. एक्यूट एंगल ये हमारा कहलाएगा. तो इस तरीके से हमने देखा अपने क्वेश्चन नंबर 11 के कंप्लीट क्वेश्चन को. तो आई होप कि ये वीडियो लेक्चर्स आप सभी लोगों को पसंद आया होगा.